हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, या उसको हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में मैंने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉर अ गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। सो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज, मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, वो एक बार मेथड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और उसके बाद जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो बहुत सिंपल लगेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई द मैक्सिमा एंड मिनिमा रूल। यहाँ पे लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा का मीनिंग क्या होता है? मैक्सिमम। और मिनिमा का मीनिंग होता है मिनिमम, ठीक है। दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन आपको मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर दिया रहेगा तो टोटल यहाँ पर 5 स्टेप्स है, वो आपको अप्लाई करना है। तो एक बार मैं ये ऑल 5 स्टेप्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मैक्सिमा एंड मिनिमा फंक्शन का स्टेप 1 लिखा है, फाइंड एफ डैश एक्स दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। आपको क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, तो फंक्शन आपको दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स। तो स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले उसका निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स का मीनिंग आपको मालूम है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मींस डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप में आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स, या उसको हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, आपको निकालना है। ये स्टेप 1 आपका क्लियर हो गया। अब देखो स्टेप 2 में क्या करना है, फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स, उसको बोलते हैं हम लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स आपको अगेन डिफरेंशिएट करना है, जो फंक्शन एक बार पहले से डिफरेंशिएट किया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो वो हो जाता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स का मीनिंग होता है कि एफ ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया है। एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मीनिंग होता है कि फंक्शन को 2 बार आपने डिफरेंशिएट किया है। तो ये नोटेशन है, अगर वाई रहेगा तो क्या आएगा, वो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये जस्ट नोटेशन है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। अब ये फर्स्ट 2 स्टेप होने के बाद देखो स्टेप 3 में क्या करना है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि स्टेप 1 में जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है उसको 0 के इक्वेट करेंगे ऑलवेज, तो वहाँ से एक इक्वेशन बनेगा और आपको एक्स का पॉसिबल वैल्यूज मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। अब देखो स्टेप 4 में क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन स्टेप 2, यानी कि स्टेप 3 में एक्स का जो पॉसिबल वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को आपको स्टेप 2 में, दैट मींस एक्स का वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ठीक है। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन स्टेप 2 दैट इज इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब देखो यहां पे मैक्सिमा और मिनिमा का डेफिनेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, इफ एफ डबल डैश ऑफ ए क्या है, एक्स का वैल्यू है, ठीक है। इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इज लेस देन 0 एट एक्स इक्वल टू ए, लेस देन 0 मीन्स व्हाट, नेगेटिव वैल्यू आएगा, देन द फंक्शन इज मैक्सिमा, या उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम। तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स का वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर वो 0 से कम आता है दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू आता है, तो आपका फंक्शन क्या रहेगा, मैक्सिमा रहेगा, या उसको बोलते हैं मैक्सिमम फंक्शन। देखो एंड इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए मोर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, देन द फंक्शन इज मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए। और देखो लास्ट का स्टेप है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तब आपको स्टेप 5 सॉल्व करना है। तो वहाँ पर क्या है, देखो लिखा है टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू जो आपको स्टेप 3 से मिला रहेगा, उस वैल्यू को आप क्या करोगे, जो आपका क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा। अगर आपका फंक्शन मैक्सिमा आ रहा है तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपका फंक्शन मिनिमा आ रहा है
तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको बाहर नहीं करना पड़ेगा। दो तीन क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिकली आपको ये स्टेप बाहर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है इसमें। नाउ सी, देखो एक्सरसाइज 4.3 का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू एट द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स आपको स्टेप 5 तक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग स्टेप 1 लिखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, जो गिवन फंक्शन है मैं उसको वैसे ही पहले लिख देता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू दिया है 2x³ - 21x² + 36x, और यहाँ पर देखो -20 दिया हुआ है। तो स्टेप 1 में क्या करना है, आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जब f ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश x हो जाता है उसका नोटेशन। तो आई विल राइट हियर f डैश ऑफ x। अब देखो राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है, हर एक टर्म्स को हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव तो आपको आता ही है, मैं डायरेक्टली आंसर देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 आपको मालूम है, ये होता है 3x³ - 1, दैट इज 3x² हो जाता है। -21 कोएफिशिएंट है, वैसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ x² होता है 2x, और यहाँ पर देखो प्लस यहाँ पर दिया है 36x। 36x का डेरिवेटिव कितना होता है, 36 होता है, -20 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आता है 0। अब जस्ट मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6x² - 42x, और ये प्लस आपका है 36, सो दिस इज इक्वल हो गया आपका एफ डैश ऑफ x। तो ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, एफ डैश ऑफ x मिल गया। अब मैं स्टेप 2 स्टार्ट करता हूँ। सो देखो मैंने आपको स्टेप 2 में क्या दिया था, स्टेप 2 में आपको f डैश ऑफ x जो डेरिवेटिव मिला है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिख हो गया। तो जो f डैश ऑफ x है उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिल जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका नोटेशन अभी चेंज हो जाएगा, f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड ईच टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो 6 आपका एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है 2x होता है, -42x का डेरिवेटिव आएगा 42, और 36 का तो मालूम है आपको 0 आता है। तो यहाँ पर देखो मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू 12x - 42। ठीक है, ये मिल गया आपका f डबल डैश ऑफ x, स्टेप 2 कंप्लीट हो गया मेरा। नाउ स्टेप 3, देखो स्टेप 3 में क्या करना है आपको, f डैश ऑफ x जो आपको मिला है यहाँ पे स्टेप 1 में, f डैश ऑफ x जो आपको स्टेप 1 में मिला है उसको हम लोग इक्वल टू 0 इक्वेट कर देंगे यहाँ, और वहाँ से आपको x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। तो आई विल राइट हियर स्टेप 3, पुट यहाँ पे लिखेंगे पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू ऑलवेज 0 लेना है, सो दैट वहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो व्हाट इज f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x देखो आपको यहाँ पर मिला हुआ है 6x² - 42x, और यहाँ पर है +36 = 0। तो इसको सॉल्व करके आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, यहाँ पे 6 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - 6 7 = 42 होता है, x + 6 6 = 36 = 0। तो 6 वहाँ पर जाकर 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x + 6 = 0। अब इसका हम 2 फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर तो बनाने आपको आता है, तो इसका फैक्टर आपका बनेगा देखो x² - 6x - 1x + 6 = 0। ये इसका फैक्टर बनेगा बिकॉज -6x - 1x - 7x हो जाएगा, -6 × -1 तो +6 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x - 6, लास्ट टू टर्म में -1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका x - 6। तो यहाँ पर 2 फैक्टर मिल गया, x - 1 × x - 6 = 0। सो देयरफॉर क्या आएगा देखो आपका, ये x - 1 = 0, और यहाँ पर लिखेंगे x - 6 = 0। तो x का 2 वैल्यू आएगा 1, और x का वैल्यू आएगा देखो यहाँ पे 6।
तो x का दो पॉसिबल वैल्यू आ गया। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको x का दो पॉसिबल वैल्यू आएगा तो फंक्शन मैक्सिमा भी होगा और मिनिमा भी होगा, वो अपने को स्टेप फोर में समझ में आएगा, ठीक है। सो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेप फोर, आई विल राइट हियर। तो यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ स्टेप फोर। देखो अब यहाँ पर x का दो वैल्यू मिला, तो x का जो वैल्यू मिला है उसको आप क्या करोगे, स्टेप टू में f डबल डैश ऑफ x में सब्सटीट्यूट करोगे। तो आई विल राइट हियर, वन बाय वन में पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू वन इन f डबल डैश ऑफ x। f डबल डैश ऑफ x देखो आपको यहाँ पर मिला हुआ है स्टेप टू में, तो x का वैल्यू वन, यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा देखो आपका f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू वन पुट करना है, हाँ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑल्सो x का वैल्यू वन पुट करना है आपको, सो दिस इज 12 इंटू वन माइनस 42। 12 माइनस 42 करोगे तो आपको यहाँ से माइनस 30 मिल जाएगा। देखो और क्या मिला आपको, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको सिंस f डबल डैश ऑफ x कितना मिला यहाँ पे वन, सॉरी f डबल डैश ऑफ वन इक्वल कितना मिल रहा है माइनस 30। तो माइनस 30 क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो जब ये नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन जीरो आ गया, दैट मीन्स व्हाट, देयर फोर f ऑफ x इज आपका मैक्सिमा आ जाएगा। ऑलवेज ध्यान में रखो, हाँ जब भी f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव आएगा लेस देन जीरो तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमा होता है, और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन मिनिमा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर फोर f ऑफ x इज मैक्सिमा, या उसको आप मैक्सिमम बोलो, देयर फोर f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू कितना आएगा वन। तो जब x का वैल्यू वन रहेगा तो फंक्शन आपका मैक्सिमा आ रहा है। अब हम लोग दूसरा वैल्यू चेक करते हैं, ऐसे ही x को चेक करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पर देखो लिखेंगे हम लोग नाउ पुट, हाँ यहाँ पर लिखेंगे नाउ पुट x इक्वल टू सिक्स इन f डबल डैश ऑफ x, जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें अगेन आप अभी x का वैल्यू क्या पुट करोगे, सिक्स। तो पुट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा देखो आपका f डबल डैश ऑफ सिक्स इक्वल टू दी, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू सिक्स माइनस 42, देखते कितना आता है। तो 12 सिक्स का कितना हो जाएगा आपका 72, तो 72 माइनस 42 तो आपको मिल जाएगा ये 07 माइनस 43 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो वी गॉट हियर देयर फोर f डबल डैश ऑफ 6 इक्वल टू 30 मिला, और 30 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। देखो ये वैल्यू 30 मिला है और 30 पॉजिटिव वैल्यू है, देयर फोर अपने को क्या मिल गया, f ऑफ x इज मिनिमा आ जाएगा, f ऑफ x इज मिनिमा एट x इक्वल टू कितना 6। तो आपका स्टेप फोर तक कंप्लीट हुआ, दैट मीन्स फंक्शन मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो फंक्शन क्या मिल रहा है अपने को, मैक्सिमा मिल रहा है, और जब x का वैल्यू 6 रहेगा तो फंक्शन अपने को मिनिमा मिल रहा है। अब लास्ट का स्टेप आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बहुत ही सिंपल है वो। देखो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप फाइव, ठीक है स्टेप फाइव। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, f ऑफ x इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 आप क्वेश्चन में पुट करोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 इन f ऑफ x टू गेट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है टू गेट मैक्सिमम वैल्यू राइट। तो मैं पुट करता हूँ x का वैल्यू 1, देखो यहाँ पर तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू x का वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 आएगा माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 36 इंटू 1 और देखो माइनस 22, सिंप्लीफाई करते हैं लोग कितना आएगा 2 माइनस 21 और ये देखो आपका प्लस 36 माइनस 26। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर माइनस 3 आ जाएगा। तो जो माइनस 3 आया वो क्या है, माइनस 3 इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से मिल गया। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर फोर मैक्सिमम वैल्यू, हाँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं देयर फोर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया आपका माइनस 3 आ गया, ये हो गया एक पार्ट। अभी आपको मिनिमम वैल्यू भी निकालना है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया माइनस 3, अब आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो कौन से पॉइंट पे देखो यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, जब हम लोग x का वैल्यू 6 पुट करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है f ऑफ x इज मिनिमा एट x इक्वल टू 6, तो एट x इक्वल टू 6 पे मिनिमा आ रहा है, तो x का वैल्यू 6 हम लोग क्वेश्चन यानी कि f ऑफ x में पुट करेंगे तो वहाँ से आपको मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो आई विल राइट हियर टू गेट, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग टू गेट मिनिमम वैल्यू, हाँ टू गेट मिनिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 6
इन एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको मालूम है क्या है, आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पुट करना है। तो ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ सिक्स इक्वल्स टू टू इंटू, यहाँ पर देखो आपका सिक्स का क्यूब आएगा माइनस 21 इंटू सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा ये, देन यहाँ पर देखो प्लस 36 इंटू सिक्स, और यहाँ पर है माइनस 20। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 21 किया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 756 प्लस 36 इंटू 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 216 और ये माइनस 20। सिंप्लीफाई करते देखते कितना आता है, 432 प्लस 216 तो ये कितना हो जाएगा आपका 648 हो जाएगा, माइनस 756 माइनस 20 तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 776 हो जाएगा। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करते हैं हम लोग इसको, सी हियर 648 माइनस 776 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस 128। देयरफॉर आप यहाँ पे लिखोगे मिनिमम वैल्यू, हाँ देयरफॉर मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस 128। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको पूछा था डिटरमाइन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू एट द गिवन पॉइंट, तो मैक्सिमम वैल्यू एट द गिवन पॉइंट 1 इज माइनस 3 एंड द मिनिमम वैल्यू एट द गिवन पॉइंट 6 इज माइनस 128। आपका सम सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है, 4 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सब क्वेश्चन है, आपको फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स एंड द क्वेश्चन इज डिटरमाइन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखो इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, जो फंक्शन दिया है सबसे पहले उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स, ये गिवन फंक्शन है। अभी आपको मालूम है स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आएगा ये बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू बोथ साइड, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का नोटेशन आएगा, आपको मालूम है एफ डैश ऑफ एक्स होता है। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, एक्स इंटू लॉग एक्स, तो डायरेक्ट तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते, एक्स इंटू लॉग एक्स मीन्स दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो जब भी दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन होता है वहाँ पर यू इंटू वी रूल, या उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन रूल आता है। जो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर किया था डिफरेंशिएशन, उसमें हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया हाउ टू अप्लाई यू इंटू वी रूल, तो अगर आपको नहीं आता रहेगा तो वीडियो जाकर के आप मेरा देख सकते हैं, थर्ड चैप्टर मैंने फुल्ली कंप्लीट करवा दिया है। तो u into v rule यूज़ करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला आपको मालूम है, पहले u आता है मतलब फर्स्ट फंक्शन, d by dx of v आता है यानी कि सेकेंड फंक्शन, देखो इसको u लेते हैं हम लोग इसको v लेते हैं, तो फार्मूला आपको मालूम है, पहले u आता है into d by dx of v आता है प्लस v लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, फिर into आता है आपका d by dx of u। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है u into v rule, सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू x into, देखो क्या दिया है d by dx ऑफ log x, तो log x क्या है स्टैंडर्ड फंक्शन है x का, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, सारे फॉर्मूलेज मैंने दिया आपको थर्ड चैप्टर में, प्लस ये log x को डेरिवेटिव नहीं है तो आपको वैसे ही लिखना है इसको, इनटू देखो यहाँ पे d by dx ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 लिख दिया हमने, x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है 1 प्लस लॉग एक्स मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, अब मैं स्टेप 2 की तरफ प्रोसीड करता हूँ, हम लोग स्टेप 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, आई विल राइट हियर स्टेप 2। ठीक है, अब स्टेप 2 में क्या करना है आपको, जो एफ डैश ऑफ एक्स मिला है उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, सो आई विल राइट हियर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग अगेन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना है यानी कि री डिफरेंशिएट करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आएगा, ये नोटेशन है, डबल डैश का मीनिंग होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि इसको हम लोग सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या दिया है, 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 क्या है कांस्टेंट, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है कितना होता है 1 बाय एक्स,
तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x, दैट मीन्स यहाँ से मिलेगा आपको 1 बाय x। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, स्टेप टू में मिल गया f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू मिल गया 1 बाय x, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो स्टेप टू कंप्लीट हो गया मेरा, अब मैं स्टेप थ्री स्टार्ट करता हूँ। तो विल राइट हियर स्टेप थ्री। तो स्टेप थ्री में मालूम है आपको क्या करना है, स्टेप थ्री में क्या करना है, देखो यहाँ पे जो आपको f डैश ऑफ x मिला है उसको इक्वल टू जीरो लेना है और वहाँ से x का वैल्यू निकालना है। तो स्टेप थ्री लिखेंगे हम लोग यहाँ पर पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो f डैश ऑफ x कितना मिला है आपको, 1 प्लस log x, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 प्लस log x इक्वल टू लिखूंगा जीरो। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये 1 प्लस log x है, अपने को x चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ log x को मैं यहाँ पर रखता हूँ, प्लस 1 वहाँ पर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। नाउ सी, ये देखो log x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। अब log का जो बेस रहता है यहाँ पे दिया नहीं है, तो जब log का बेस आपको नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बेस, तो उसका बेस हम लोग यहाँ पर e लिखते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको log का बेस नहीं दिया है दैट मीन्स वो नेचुरल बेस है, उसको e लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आप, ये हो गया आपका log x टू द बेस e इक्वल टू माइनस 1। तो अब यहाँ पर logarithm का प्रॉपर्टी यूज़ होगा, ये log के फॉर्म में है, अगर आप इसको इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ही सिंपल रूल है, जब आप इसको इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना है, ये x लिखना है आपको सबसे पहले, यहाँ पर x हो गया, उसके बाद आपको इक्वल करना है, ये बेस में e है तो e को लिखना है बेस में, और इक्वल टू के बाद का जो नंबर रहेगा वो इसके पावर में चला जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी लॉग फॉर्म में दिया रहेगा और उसको अगर इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स लॉग वहाँ से निकालना है, तो सिंपली क्या करोगे आप, लॉग के बाद जो लिखा रहेगा वो लिख देने का है, बाद में इक्वल टू लेना है, लॉग का यहाँ पे बेस क्या है ई, तो यहाँ पे बेस लिख दोगे ई, और इक्वल टू के बाद जो भी नंबर रहेगा वो ई के पावर में चला जाएगा आपका। तो ये लॉग फॉर्म से मैंने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये लॉगरिथम का रूल है जो कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फंक्शन का जो चैप्टर था वहाँ पर स्टडी किया था हम लोगों ने मैथ्स 1 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, देयर फोर एक्स इक्वल टू मिल गया आपको ई रेस टू माइनस 1। तो सेम थिंग आई कैन राइट हियर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ई, भी देखो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ बिकॉज ई रेस टू माइनस 1 है, तो अगर आप इसको ई रेस टू प्लस 1 लिखना है तो रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो ई रेस टू माइनस 1 इज सेम एज 1 अपॉन ई। तो आपको x का वैल्यू कितना मिल गया, 1 अपॉन ई, तो आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं स्टेप 4 स्टार्ट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर स्टेप 4। तो स्टेप 4 में आपको मालूम है क्या करना है, स्टेप में क्या करना है आपको, x का जो वैल्यू मिला है 1 बाई ई उसको f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मीन्स स्टेप 2 में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई विल राइट हियर पुट, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1 बाई ई इन f डबल डैश ऑफ x। तो f डबल डैश ऑफ x मतलब ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, 1 बाई ई, तो वहाँ से समझेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ देयर फोर एफ डबल डैश ऑफ x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 1 बाई ई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखना है आपको, 1 बाई ई। तो 1 अपॉन 1 बाई ई क्या होता है, ये e हो जाएगा, और आपको मालूम है e क्या है, e इज अ, e जो रहता है वो इरेशनल नंबर रहता है, और e का वैल्यू होता है 2.71828, ये इसका वैल्यू है e का। तो e इज़ एन इरेशनल नंबर और इसका वैल्यू होता है 2.71828, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया, ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यानी कि f डबल डैश जो 1 बाई ई है वो क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, और जब भी f डबल डैश ऑफ x पॉजिटिव मिलता है दैट मीन्स फंक्शन आपका मिनिमा है। तो बाय डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर एफ ऑफ x इज मिनिमम लिखेंगे, हाँ f ऑफ x इज मिनिमम एट विच पॉइंट x इक्वल टू 1 बाई ई। तो जब x का वैल्यू 1 बाई ई रहेगा तो आपका जो गिवन फंक्शन था वो मिनिमा आएगा यानी कि मिनिमम आएगा। तो स्टेप 5 में क्या करना है आपको, मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम या तो फिर दोनों भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आपने को यहाँ पे क्या मिला है, फंक्शन क्या है, मिनिमम है एट x इक्वल टू 1 बाई ई। तो अगर फंक्शन मिनिमम रहेगा तो आपको मिनिमम वैल्यू आएगा, और अगर आपका फंक्शन मैक्सिमम मिल रहा है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू आएगा।
तो यहाँ पे फंक्शन आपका मिनिमा मिल रहा है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, एक्स का जो वैल्यू मिला है ना आपको 1/e, एक्स का जो वैल्यू मिला है दिस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो ओरिजिनल फंक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू गेट, यहाँ पर लिखोगे आप टू गेट मिनिमम वैल्यू, हाँ टू गेट मिनिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 1/e इन ओरिजिनल फंक्शन दैट मीन्स f ऑफ x, यानी कि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं x का वैल्यू क्या पुट करूँगा 1/e, देयरफॉर ये हो जाएगा आपका f ऑफ 1/e इक्वल टू राइट हैंड साइड में जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर 1/e पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/e इन टू लॉग ऑफ x के प्लेस पे 1/e। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1/e को वैसे रखते हैं हम लोग इंटू है यहाँ पे लॉग 1/e लिखा हुआ है। लॉग का प्रॉपर्टी है अगर डिवीजन में रहेगा तो वो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो लॉग 1/e लिखेंगे हम लोग, लॉग 1 माइनस हो जाएगा आपका देखो यहाँ पर लॉग e, ये प्रॉपर्टी है। लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b, सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर 1/e और ब्रैकेट में देखो लॉग 1, ऑलवेज रिमेंबर लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है, तो लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा माइनस, ऑलवेज रिमेंबर देखो यहाँ पर लॉग e है, तो लॉग e है तो बेस क्या रहेगा, e रहेगा यहाँ पे, तो लॉग e टू द बेस e, तो लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लॉग a टू द बेस a, आंसर आपका 1 आएगा, लॉग 2 टू द बेस 2 आंसर 1 आएगा, तो लॉग ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1, या सिंपली आप ध्यान में रखो लॉग e का वैल्यू 1 होता है बिकॉज बेस तो e रहता है बाय डिफॉल्ट, तो ये हो जाएगा आपका 1। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सिंस लॉग e इक्वल टू 1 होता है, सो दिस इज इक्वल टू 1/e माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1/e, सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपको क्या मिल गया है मिनिमम वैल्यू, हाँ तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, देयर फॉर मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1/e इज माइनस 1/e, आपका सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16/x, तो एग्जैक्टली सेम वे जैसे आपने बाकी का दो क्वेश्चन सॉल्व किया है एग्जैक्टली सेम वे हम थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो आई विल राइट हियर स्टेप 1, हाँ मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, जो आपको गिवन फंक्शन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले मैं गिवन फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ये 16/x है ना, तो मैं इसको देखो ये वे से भी लिख सकता हूँ 16 × 1/x भी लिख सकता हूँ, सेम थिंग है 16/x आई कैन राइट 16 × 1/x, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है सो दैट वो डिफरेंशिएशन में आपको ईजी लगेगा। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x, मालूम है आपको राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आपको मालूम है 2x होता है प्लस यहाँ पर देखो 16 जो है वो x से मल्टीप्लाइड है, तो 16 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, तो आपको मालूम है 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टैंडर्ड फार्मूला है 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर लिख दिया हमने, ये डिफरेंशिएट हो गया। थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका f डैश x इक्वल टू 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मैं 16 लिखता हूँ 1/x स्क्वायर है तो मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ, ये हो जाएगा x रेज टू माइनस 2 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो आपका स्टेप 2, तो स्टेप 2 वाले में आपको क्या करना है स्टेप 2 में अगेन डिफरेंशिएट करना है, दैट मीन्स f डैश ऑफ x फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो नोटेशन आएगा f डबल डैश ऑफ x चेंज हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड साइड में दो फंक्शन है दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो आपको मालूम है 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है 2 माइनस 16 जो है वो x के टर्म से मल्टीप्लाइड है, तो 16 को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, 16 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे इनटू
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस टू, आपको एक्स रेस टू माइनस टू का डेरिवेटिव निकालना है। तो एक्स रेस टू माइनस टू का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूला आपको मालूम है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू इंटू एक्स रेस टू माइनस टू माइनस वन। दिस वे तो सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सिक्सटीन टू जो हो जाएगा आपका थर्टी टू, और ये एक्स रेस टू माइनस थ्री आएगा। तो अपॉन में जब मैं इसको लूँगा तो एक्स रेस टू प्लस थ्री हो जाएगा। तो ये मिल गया आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स मिल गया, दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया आपको। अब मैं स्टेप थ्री सॉल्व करूँगा, तो आई विल राइट हियर स्टेप थ्री। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्टेप थ्री। अब मैंने आपको स्टेप थ्री दिया है, क्या करना है आपको स्टेप थ्री में? स्टेप थ्री में आपको f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो अज्यूम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो। तो f डैश ऑफ x कितना मिला है, ये वैल्यू है 2x माइनस सिक्सटीन इंटू एक्स रेस टू माइनस टू। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका देयर फोर 2x माइनस सिक्सटीन इंटू एक्स रेस टू माइनस टू इक्वल टू जीरो लिख दूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और आपको x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो देखो मैं क्या करता हूँ, ये 2x हो गया माइनस 16 इंटू एक्स रेस टू माइनस टू है, तो x का पावर नेगेटिव है तो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होगा। तो x का पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये मैं एक्स रेस टू माइनस टू को लेकर के आऊँगा डिनोमिनेटर में, तो एक्स रेस टू प्लस टू हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका देखो अपॉन वन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 16 इंटू वन, तो 16 हो जाएगा डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 अपॉन वन लिख दो। जस्ट मैंने एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, सो दिस न्यूमरेटर इंटू वन, तो आपका एग्जैक्ट आएगा यह न्यूमरेटर 2x क्यूब माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, तो वो जीरो रहेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, 2x क्यूब इक्वल टू 16 मिल जाएगा, तो x क्यूब इक्वल टू 16 अपॉन टू 8 हो जाएगा। तो दिस आई कैन राइट x क्यूब इक्वल टू 8 को हम लोग 2 रेस टू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पावर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, देयरफॉर आपको देखो x का वैल्यू मिल गया है 2, ठीक है, x का वैल्यू 2 मिल गया। तो आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। अब अपने को सॉल्व करना है स्टेप फोर। स्टेप फोर में आपको समझेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, सो आई विल राइट हियर स्टेप फोर, ठीक है? देखो स्टेप फोर में आपको क्या करना है, एक्स का जो वैल्यू मिला है वो आपको एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट मीन्स स्टेप टू में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखूंगा मैं पुट एक्स इक्वल टू टू इन स्टेप टू, दैट इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स जहाँ पे एक्स है दोनों साइड वहाँ पर मैं टू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो आई विल राइट हियर, ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ टू इक्वल टू टू प्लस 32 अपॉन एक्स का वैल्यू 2 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 3। सो देखते हैं यहाँ पर कितना आता है, सो दिस इज 2 प्लस 32 अपॉन 2 रेस टू 3 किया तो 8 आएगा, ठीक है? तो 32 अपॉन 8 कितना हो जाएगा 4, और 2 प्लस 4 आपको मिल जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देखो, तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू 6 आ गया। तो ये f डबल डैश ऑफ 2 इक्वल टू 6 आ गया। और अब आपको चेक करना है कि ये 6 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऑफ कोर्स आपका 6 जो वो पॉजिटिव है। तो जब भी f डबल डैश ऑफ एट द गिवन वैल्यू ऑफ x पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स फंक्शन आपका मिनिमा है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता तो फंक्शन क्या होता था, मैक्सिमा होता था। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब मोर देन ज़ीरो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमा लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर f ऑफ x इज मिनिमा, या उसको मिनिमम लिखो एट x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू कितना मिला है 2, तो फंक्शन इज मिनिमा एट x इक्वल टू 2। आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। अब फाइनल स्टेप आपको निकालना है, फंक्शन मिनिमा हो गया x इक्वल टू 2 पे, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा स्टेप 5 में। तो मैं यहाँ पे देखो लिख दूंगा टू फाइंड, ये स्टेप 5 है, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप 5, आई विल राइट हियर स्टेप 5। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू 2
इन एफ ऑफ एक्स, यानी कि जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपका एफ ऑफ एक्स ओरिजिनल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आप 2 पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा देखो आपका एफ ऑफ 2 इक्वल टू, जहाँ पर एक्स है वहाँ पे 2 पुट करो, तो यहाँ पर अगर आप 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 हो जाएगा। देन प्लस हियर, यहाँ पर आप एक्स का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 16/2 कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 8, तो आंसर कितना आएगा आपका, 12 आएगा। देयरफोर मिनिमम वैल्यू एट द गिवन पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 इज 12। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, देखो वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा है डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखो ये मैक्सिमा का सम है, ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा का ही सम है ये, बट यहाँ पर आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया नहीं है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपने को फॉर्म करना पड़ेगा बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन। तो कंडीशन क्या दिया है, डिवाइड द नंबर 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। सो नंबर 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए। तो अपने को पता नहीं है कैसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अब 2 पार्ट में डिवाइड करना, आप 10 और 10 दो पार्ट डिवाइड कर सकते हो, 15 और 5 कर सकते हो, 18 2 कर सकते हो, 12 8 कर सकते हो, बहुत सारा इसमें है। तो वी डोंट नो कि 20 को कि सो वी डोंट नो कि 20 को कौन से दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे यहाँ पर, तो आई विल राइट हियर लेट वन पार्ट, हाँ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लेट वन पार्ट ऑफ 20 बी एक्स, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। therefore second part, therefore second part of 20 is क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 20 को दो पार्ट में डिवाइड किया, जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैंने x ले लिया, और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, रिमेनिंग जो बचेगा दैट इज 20 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हाँ अब जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन देखो क्या दिया है यहाँ पे, देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दोनों नंबर का प्रोडक्ट बोला है मैक्सिमम करने के लिए, तो ये दोनों नंबर है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू 20 माइनस एक्स, ये आपका फंक्शन बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू पार्ट ऑफ 20, तो एक्स इंटू 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक बार आपको ये फंक्शन मिल गया है, आप इजीली जो है देखो एक बार आपको फंक्शन मिल गया, उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द स्टेप 1 2 3 4 लाइक दैट। मीन्स जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका एरिया अपने को मैक्सिमम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो फार्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है फार्मूला मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फार्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को क्या करता हूँ, फंक्शन अज्यूम कर लेता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो लेट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल भी एफ ऑफ एक्स, लेंथ कितना दिया है इसका, लेंथ एक्स है, और ब्रेथ कितना हम लोगों ने लिया है, वाई लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू, देखो यहाँ पर जहाँ पर वाई है वहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 से क्या लिख सकते हो, 18 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस एक्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैंने लिखा है। अब देखो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 18x माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स को क्या अज्यूम किया है, एरिया अज्यूम किया, ध्यान में रखो आप, एफ ऑफ एक्स को हम लोगों ने एरिया अज्यूम किया हुआ है, फंक्शन ऑफ एरिया। तो एक बार आपको देखो एरिया का फंक्शन मिल गया, और क्वेश्चन क्या है आपको एरिया को मैक्सिमा करना है, और एरिया का फंक्शन आपको मिल गया है। अब मैं स्टेप 1 2 3 4 यूज़ करके सॉल्व कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा मुझे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करना है आपको मालूम है, डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ एक्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 18x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 18 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ये हो गया। अब हम यहाँ पे स्टेप 2 करेंगे, तो मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर स्टेप 2, स्टेप 2 मालूम है आपको क्या करना रहता है, अगेन डिफरेंशिएट करना रहता है आपको, तो मैं लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x,
तो देखो इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, मालूम है आपको f डबल डैश ऑफ x आएगा एंड दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका 18 का जीरो होता है डेरिवेटिव माइनस 2x का क्या इतना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग स्टेप 3 करते हैं। अब मैं स्टेप 3 लिखता हूँ, सो आई विल राइट हियर स्टेप 3। तो स्टेप 3 में मालूम है आपको क्या करना है, स्टेप 3 में क्या करना है, पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो पुट करके वहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना है। तो व्हाट इज f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x कितना मिला था, देखो यहाँ पर 18 माइनस 2x मिला था आपने को। ठीक है, तो f डैश ऑफ x कितना मिला, 18 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका देखो 18 माइनस 2x इक्वल टू जीरो आएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 18 इक्वल टू 2x मिलेगा, देयरफोर x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 9। तो x का वैल्यू 9 हो गया। अब अपने को चेक करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 4 आपको करना पड़ेगा। तो स्टेप 4 हो जाएगा आपका पुट x इक्वल टू 9 इन, किस में पुट करेंगे हम लोग, f डबल डैश ऑफ x में, दिस वे। और f डबल डैश ऑफ x हमने यहाँ कहाँ निकाला था, ये देखो निकाला हुआ है। तो ये हो जाएगा देखो आपका f डबल डैश ऑफ x का वैल्यू 9 पुट करना है, इक्वल टू x का वैल्यू 9 पुट करो, तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो जब भी f डबल डैश नेगेटिव वैल्यू आएगा, दैट मीन्स आपका फंक्शन क्या है, जब भी f डबल डैश ऑफ नेगेटिव वैल्यू आएगा दैट मीन्स ये लेस देन जीरो हो गया, तो आपका फंक्शन क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देयरफोर f ऑफ x इज मैक्सिमा, f ऑफ x इज मैक्सिमम लिख दो, f ऑफ x इज मैक्सिमम। क्वेश्चन में क्या बोला था आपको, एरिया मैक्सिमम, तो f ऑफ x हम लोगों ने एरिया लिया था, तो एरिया देखो मैक्सिमा आ गया यहाँ पे। देयरफोर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देयरफोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, देयरफोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देयरफोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम व्हेन लेंथ कितना रहेगा, व्हेन लेंथ, ठीक है, लेंथ हम लोगों ने कितना लिया था, व्हेन लेंथ x इक्वल टू यहाँ पर 9 आएगा, एंड ब्रेथ कितना मिलेगा आपको, ब्रेथ क्या लिया था हम लोगों ने, y लिया था, और y इक्वल टू कितना, इक्वेशन नंबर 1 से 18 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 18 माइनस 9 दैट इज 9। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम व्हेन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9 एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 9, आपका सम सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज रुपीज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50 एंड प्राइस इज 180 माइनस एक्स पर यूनिट। ठीक है, फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया है, प्राइस दिया है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, वहाँ पर आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना था, तो हमने एरिया फाइंड आउट किया एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग प्रॉफिट फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर, सो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन। पहले जो गिवन थिंग्स है मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको कॉस्ट दिया है, ठीक है, तो कॉस्ट को मैं सी से लिखता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, ये आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट दिया है। देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट इज रुपीज़ दिस मच, ये कॉस्ट हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको प्राइस भी दिया है, देखो आपको दिया है प्राइस पर यूनिट, हाँ प्राइस पर यूनिट आपको कितना दिया हुआ है, तो प्राइस को हम लोग पी से लिखते हैं, और ये वैल्यू आपको दिया है 180 माइनस एक्स दिया हुआ है। इतना गिवन थिंग्स हो गया, अपने को प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो जब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस तो दिया है आपको, बट यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, एंड टोटल सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट होता है टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू निकालना है, यानी कि टोटल आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एक फार्मूला देखो यहाँ पर है, आर मीन्स होता है रेवेन्यू, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को हम लोग आर से लिखते हैं, तो रेवेन्यू का फार्मूला होता है प्राइस इंटू क्वान्टिटी, ये आप ध्यान में रखो।
रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू मीन्स होता है टोटल सेलिंग प्राइस, हाँ ध्यान में रखो, रेवेन्यू मीन्स टोटल सेलिंग प्राइस। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो यहाँ पर देखो प्राइस कितना दिया है पर यूनिट, 180 माइनस एक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा 180 माइनस एक्स, कितना यूनिट सोल्ड हो रहा है, एक्स यूनिट, तो इंटू एक्स आपका एज इज रहेगा। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका रेवेन्यू, इसको आर लिख सकते हैं हम लोग। सो दिस इज़ द टोटल रेवेन्यू, ये टोटल रेवेन्यू हो गया, ये आपका टोटल कॉस्ट है। अब हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, सॉरी अब हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयर फॉर प्रॉफिट इक्वल टू, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ये फॉर्मूला है आपका रेवेन्यू का, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू कितना दिया आपको यहाँ पे, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा 180x माइनस एक्स स्क्वायर टोटल रेवेन्यू है। देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट ये आएगा, तो ब्रैकेट में जाएगा आपका, बिकॉज माइनस साइन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, और ये देखो यहाँ पर प्लस 50 दिया हुआ है। तो ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंड व्हाट इज़ द टोटल रेवेन्यू, प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ये मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, और प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर देखो आपका लिख देता हूँ, तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रॉफिट फंक्शन, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो प्रॉफिट की जगह पे आप लिख दोगे अभी एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 180x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस 60x, और यहाँ पर आएगा माइनस 50। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 180x माइनस 60x, तो 180x माइनस 60x कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी 120x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 50। सो दिस इज़ प्रॉफिट फंक्शन। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रॉफिट को मैक्सिमा करना है, तो एक बार अपने को फंक्शन मिल गया एफ ऑफ एक्स, तो हम लोग उसको मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं बाय अप्लाइंग ऑल द फोर स्टेप। तो अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, तो आई विल राइट हियर स्टेप वन। स्टेप वन मालूम है क्या करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड में जितना भी फंक्शन दिया है हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। तो 120x का डेरिवेटिव होता है 120 माइनस 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, 2x इंटू 2 तो 4x हो जाएगा, माइनस 50 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेप वन एफ डैश एक्स। अब स्टेप टू निकालेंगे हम लोग, तो आई विल राइट हियर स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, तो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा ये। तो एफ डैश ऑफ एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड 120 का डेरिवेटिव, 120 कांस्टेंट है तो 120 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 4x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4, तो वी गॉट हियर एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर स्टेप टू कंप्लीट हो गया। नाउ विल डू द स्टेप थ्री, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में क्या करना है, स्टेप थ्री में एफ डैश ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू मिला है एफ डैश ऑफ एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेना है, और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, यहाँ पर दिया है 120 माइनस 4x इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो 120 इक्वल टू प्लस 4x, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये 30 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 30 आ गया। तो स्टेप थ्री यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो लास्ट स्टेप लिखते हैं हम लोग स्टेप फोर, तो आई विल राइट हियर यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्टेप फोर, हाँ तो स्टेप फोर हो जाएगा। तो स्टेप फोर में क्या करना है, एक्स का जो वैल्यू 30 मिला है वो एफ डबल डैश ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट एक्स इक्वल टू 30 इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 30 लिखना है, ये हो जाएगा 30, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर, माइनस 4 तो कॉन्स्टेंट है तो माइनस 4 ही रहेगा।
तो एफ डबल डैश यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। नेगेटिव मीन्स ये लेस देन जीरो मिल रहा है। तो बाय डेफिनेशन आपको मालूम है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा तो फंक्शन क्या आता है, मैक्सिमा। सो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 30। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू पूछा नहीं है, जस्ट पूछा था कि प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। तो व्हेन एक्स इक्वल टू 30 यूनिट द टोटल प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 4.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक जरूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।